फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एक्सप्लोर विद आरती। दोस्तों, अगर खाने पीने का शौक रखते हैं, इफ यू आर फूडी, देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। तो ये है बारबेक्यू टाइम्स, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बुफे है। यू कैन से बुफे का बाप है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको 150 से ज़्यादा डिशेज मिलेंगी, और MBS का तो कहना ही क्या। फूड इतना लजीज, इतना टेस्टी है कि आपका पेट तो भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। रेस्टोरेंट में एंटर करने से पहले मैं आपको इनके बैंकेट हॉल में लेके जाऊंगी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट के साथ ही है, जहां पर आप अपनी किसी भी तरह की पार्टी फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, एंट्रेंस पर ही ये रिसेप्शन है, यहां पर वेट लिस्ट लिखी है, आप मेरी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ पर लाइव सिंगिंग होती है डिनर टाइम पर, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस होती है यहाँ पर। और देखिए कितनी कैपेसिटी है यहाँ, कितने लोग एक साथ बैठ सकते हैं, आकर एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये बार है इनका, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स तो होती हैं, पर आप कुछ एक्स्ट्रा से ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी चल रहा था कबाब एंड बिरयानी फेस्टिवल, और यहाँ पर मैं मिलवाती हूँ आपको बिरयानी और कबाब के शेफ से। चले मिलते हैं। अभी यहाँ पर कबाब और बिरयानी फेस्टिवल चल रहा है, तो इस तरह की थीम्स आपकी चलती रहती हैं? बिल्कुल, अलग अलग थीम चलती रहती है, कभी कबाब की, कभी बिरयानी की। अच्छा। कभी हमारा कोल्ड फेस्टिवल चलता है अलग अलग। अच्छा। एग फेस्टिवल चलता है। अच्छा। अलग अलग तरीके के फेस्टिवल चलते रहते हैं हमारे। काफी सारी वैरायटीज मिलेंगी आपको कबाब में, वेज में आपको 15-20 कबाब मिलेंगे, और नॉन वेज में मिलेंगे 10-12 कबाब। अच्छा। मटन के हैं, चिकन के हैं, जैसे हमारे पास पकौड़ी, सीख वगैरह हो गई, बहुत सारी वराइटीज मिलेगी आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है, ट्राई करते हैं। देखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं, अभी ट्राई करते हैं कैसे हैं। थैंक यू। दोस्तों, वैसे तो बहुत तरह के कबाब थे, पर मैंने कॉर्न कबाब, मिक्स वेज कबाब, पीस का, किडनी बीन्स का और मशरूम कबाब मैंने ऑर्डर किया। जो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर पसंद आया वो था मिक्स वेज और कॉर्न्स कबाब, तो मैं इसको 4 out of 5 रेटिंग दूंगी। फ्रेंड्स, लाइव किचन की तरफ चलते हैं और आपको दिखाती हूँ मेन कोर्स में यहाँ पर कौन कौन सी डिशेज हैं। आप मेरे वीडियो को पॉज करके इनके नेम्स देख सकते हो। और 6 to 7 डिशेज हैं वेज में, नॉन वेज में भी 4 to 5 आइटम्स हैं। मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने उस तरफ ज़्यादा नहीं देखा। ब्रेड में तंदूर से 3 to 4 ऑप्शंस होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हैं उसे। यहाँ पर आ गए हम स्ट्रीट फूड की तरफ, ये उसका मेन्यू है। दोस्तों, बारबेक्यू टाइम्स गुड़गांव सेक्टर 51 में है, इसका एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। पानीपुरी, गोलगप्पे, चाट, टिक्की, पाव भाजी, डोसा, उत्पम, वड़ा, सांभर, इडली, सब। और यहाँ पर दो तरह के गोलगप्पे हैं, सूजी और आटे के, दो तरह का पानी है, और बहुत ही टेस्टी पानी था। और फिर मैंने पापड़ी चाट और दही भल्ले बनवाए, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ का तो टेस्ट लाजवाब। कुछ मैक्सिकन डिशेस भी है यहाँ पर, इनके नेम्स भी लिखे हैं, मेरे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। डिम्सम है, वाओ, ये नॉनवेज है, ये नॉनवेज है, और दूसरा ये टाइजर। ओके, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गाइस, मैं अभी खाने वाली हूँ, बस देख रही हूँ क्या क्या बना रहे हैं भैया। ये कौन कौन से सुशीज है भैया? ये एस्पेरेगस है, ये वेजिटेबल टेम्पुरा। अच्छा, थैंक यू। मैक्सिकन टॉर्टिला, ये ग्रीन पीस है, प्रोस्टीना, ये वेज है, ठीक है। आपका पेस्टो स्लाइडर है, ये फोगाचे ब्रेड है, और डिम्सम डाल देना सिंगल वेज। कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स में ये ऑप्शन है, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। और मुझे लीची ब्लू को बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी होता है दोस्तों, ब्लू कलर में। और ये बियर भी मंगाई हमने,
फ्रेंड्स दीज आर द ऑप्शंस इन बारबेक्यू और मैंने अपनी प्लेट में सर्व कर लिया है जो मुझे बहुत पसंद है यहाँ पर। वैसे तो मुझे सारे ऑप्शन बहुत पसंद है लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर जो टेस्टी लगता है वो है क्रिस्पी कॉर्न हनी डिप पाइनएप्पल, यम्मी हनी डिप पाइनएप्पल, दही कबाब एंड पनीर टिक्का, 5 out of 5। और मैंने शेजवान डोसा और पिज़्ज़ा डोसा बनवाया, दोनों ही डोसे बहुत अच्छे थे लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा पिज़्ज़ा डोसा। इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने चीज़ डाला हुआ था और जो पिज़्ज़ा लवर्स हैं उनको ये बहुत पसंद आएगा। और सांभर बहुत टेस्टी था, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी। ये देखी चीज़, मैं इसको 4 marks दूँगी आउट ऑफ 5। और ये बन रहा है हमारा उत्पम मिक्स वेज, उत्पम और सांभर बहुत अच्छा था। वड़ा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा लेकिन इडली बहुत सॉफ्ट थी, 4 out of 5। डिमसम में देखिए अंदर फिलिंग इतनी अच्छे से इन्होंने की हुई थी, गार्लिक का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। इसको मैं 5 out of 5 दूंगी। और ये बन रहा है हमारा फार्म पिज़्ज़ा, थिन क्रस्ट फार्म पिज़्ज़ा, बहुत अच्छे से इन्होंने चीज़ डाला है इसमें। और ये देखिए लाइव कुकिंग, लाइव कुक होता वो देखिए। और दिखाती हूँ अपना फार्म पिज़्ज़ा, मैंने चीज़ कम डलवाया क्योंकि मुझे चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है। और दोस्तों इसको मैं 5 out of 5 दूंगी, सो यम सो डिलीशियस। वाइट और रेड सॉस दोनों ही पास्ता यहाँ पर थे लेकिन मैंने उसको दोनों को मिक्स करके बनवाया पिंक सॉस पास्ता। और दोस्तों ये इतना यम था कि इसको भी मैं 5 out of 5 ही दूंगी, बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी था। फ्रूट सैलेड के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही तरह की सैलेड्स भी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। फ्रेंड्स यहाँ पर 10 to 15 टाइप्स की स्वीट्स मिल जाएंगी जिसमें डिफरेंट पेस्ट्रीज, पुडिंग्स, पाइज, ब्राउनीज, केक्स तो मिलेंगे, साथ में बहुत सारी इंडियन डेजर्ट्स भी होंगे जिसके अंदर गुलाब जामुन, जलेबी विद रबड़ी, ब्लैक गाजर हलवा, शकरकंद हलवा, कढ़ाई वाला मिल्क और दोस्तों गुलाब जामुन भी मिलेंगे। और दोस्तों जलेबी विद रबड़ी को मैं 5 upon 5 दूंगी। ब्लैक गाजर का हलवा और शक्करकंद का हलवा भी मुझे अच्छा लगा लेकिन इसको मैं 4 out of 5 दूंगी। और जलेबी का तो ऑलरेडी मैं 5 out of 5 दे चुकी हूँ। गुलाब जामुन दोस्तों बहुत सॉफ्ट थे, इसको भी मैं 5 out of 5 दूंगी। अब मेन कोर्स के लिए तो जगह नहीं बची थी लेकिन फिर भी मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा लिया। मसमन करी मुझे बहुत पसंद है और यहाँ की तो बहुत ही टेस्टी होती है, नूडल्स के साथ मुझे बहुत अच्छी लगी। बर्थडे एनिवर्सरीज पर यहाँ पर केक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मेरा बर्थडे था और मैंने यहाँ केक काटा, बहुत टेस्टी था। अब खाते हैं कोल्ड स्टोन आइसक्रीम और दिखाती हूँ क्या क्या ऑप्शन है इनके पास। सर पान है, वनीला स्ट्रॉबेरी है और मैंगो है, ब्लूबेरी है। एक पान और एक स्ट्रॉबेरी। यहाँ पर वनीला पान आइसक्रीम मेरी फेवरेट है, उसको मैं 5 out of 5 दूंगी। और मैंगो और स्ट्रॉबेरी और भी बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन हमने 3 ही ट्राई किए, इनको मैं 4 out of 5 दूंगी। तो अब हम चलते हैं टी कॉफी वेंडिंग मशीन की तरफ जहाँ पर टी के साथ साथ आपको कॉफी के 6 to 7 फ्लेवर्स मिलेंगे। मैंने कैपेचिनो ट्राई किया जो मुझे बहुत पसंद आया और इसको मैं 5 out of 5 दूंगी। और ये लंच और डिनर की रेट लिस्ट है जो डे टू डे वेरी करती है, आप मेरी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। एंड आई होप मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाई। थैंक यू।